नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम बात करेंगे आज चाइना की कंपनियों के बारे में कि चाइना की कंपनी कहाँ पे है, किस मुकाम पे है, चाइनीज सरकार की क्या भूमिका है चाइना की प्राइवेट कंपनियों को लेके। अभी सुर्खियों में लगातार छाया हुआ है अलीबाबा ग्रुप, इसके साथ साथ तीन दुआओ जैसी कंपनी है। देखिए, चाइना वर्ल्ड की सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स है, तो चाइना वर्ल्ड सुपर पावर है सेकेंड नंबर पे हर मामले में। किस किस मामले में? टेक्नोलॉजी के मामले में पुनः, इसके बाद बोलेंगे डिफेंस में, टेक्निक हो, रक्षा हो या फिर पैसा इकोनॉमिक्स हो, तो फाइनेंस, इन सारे में अब चाइना जस्ट अमेरिका के नीचे है। तो फर्स्ट नंबर पे अभी यूएस है, लेकिन सेकेंड नंबर पे चाइना है। कुछ कुछ सेक्टर में तो चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, जहां पे चीन अभी आगे चल रहा है और अमेरिका पीछे हो गया है। जहां एक साइड अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे एप्पल, सुनते होंगे एप्पल का मोबाइल है, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब बनाती है एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनते होंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की कंपनी है। वॉलमार्ट रिटेल सेक्टर की कंपनी है। तो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वॉलमार्ट हो, फिर मेटा जैसी कंपनियां हैं, एमेजॉन, और भी फाइनेंस की बहुत सारी कंपनियां अमेरिका हैं। फिलहाल जो टेक्निक है, डिफेंस है या पैसे के मामले में, मैं आपको ये बता रहा कि अब अमेरिका के जस्ट नीचे चाइना है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अगर अमेरिका में ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एक गूगल अलग से, गूगल जायंट अपने आप में दानों कहलाती है, बिना गूगल के इंडिया में तो कोई भी मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता है, तो गूगल जैसी जायंट कंपनियां हैं, तो चाइना की भी कंपनियां हैं जिसके बहुत सारे कम नाम आते हैं या जानकारी कम रहती है। क्या कारण है कहाँ की जानकारी कम रहती है? देखिए, सबसे पहले कारण कि चाइना में जो डेमोक्रेसी ना होके एक कम्युनिस्ट सरकार है। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अमेरिका और भारत जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, फलस्वरूप लोगों को जानकारी रहती है, तो लोग स्वतंत्र हैं वहां पे, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट सरकार है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, तथा तो सरकारी हेड है वहां पे, सर्वे सर्वा है, और डेमोक्रेसी में जनता सर्वे सर्वा है। तो चीन की सरकार टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, पैसा हो, अर्थात चीन की सरकार पैसा, टेक्निक और राजनीतिक, इन सबको कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना की सरकार था, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, ये जो रहते हैं टॉप लीडर, ये कंट्रोल करते हैं पूरा ये मामला। आज का जो मामला है पूरा वर्ल्ड में, इसी के लिए संघर्ष चल रहा है, देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, लोग भी युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पैसा, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक, इसमें से किसी एक की कमी होने पे गठबंधन किया जाता है। अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है और किसी के पास पैसा है, तो ये दोनों क्या है, गठबंधन कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है किसी को, टेक्नोलॉजी वाले को, तो बाद में पॉलिटिकल सपोर्ट से ही पैसे ही मिल रहे हैं, तो पैसा, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स, इनका एक गठबंधन चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। जिसने इन तीनों को कंट्रोल किया, वही सर्वे सर्वा बना हुआ है। जो इस तीनों क्षेत्र में पीछे है, वह पिछड़ गया है। तो कारण यही है कि वहां की कंपनियों के बारे में और भी जो रिपोर्ट रहते हैं, जानकारी ना मिलने का कारण क्या बोलेंगे कि चीन की सरकार पूरा इंटरनेट को ही कंट्रोल कर रही है, मीडिया को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी कंट्री में मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करता, जनता सर्वे सर्वा है। तो कुछ कंपनी का नाम देखिए, इसको एक बार याद करना होगा तो कर लीजिएगा आप, टेंसेंट, पुना, BYD, इसके बाद अलीबाबा, वाइट डांस, और फिर जो अभी सुर्खियों में है, तीन दुआओ दुआओ, तीन दुआओ दुआओ, एक दिग्गज कंपनियां हैं, प्राइवेट है ये सारी कंपनियां जो हैं चीन की, प्राइवेट कंपनियां हैं। टेंसेंट, टी है लास्ट में, टेक्नोलॉजी की कंपनी आई है टेंसेंट,
इंटरनेट टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। BYD इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है ये। BYD ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो अमेरिका का था टेस्ला, टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। BYD इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में, हर तरीके की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। टेस्ला कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है ये। तो देखिए क्षेत्र में BYD पीछे छोड़ चुका है टेस्ला को। ये अलीबाबा है। अलीबाबा कुछ समय पहले इसने दिग्गज अमेज़न को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन चाइना की सरकार, मैं बताऊंगा अभी आपको ब्रेकडाउन कैसे की। भी वाइट डांस है इसका, आप सुने होंगे टिकटॉक, टिकटॉक दुआओ। तो चाइना की कंपनी के साथ मामला क्या है? चाइना की कंपनी के साथ मामला है कि जो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं कंट्री, या तो इसको प्रतिबंध लगा रहे हैं जो इनके साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं उस कंपनी पे, चाइनीज कंपनी पे प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे अमेरिका ने हुआवे पे लगाया था, नाम सुने होंगे हुआवे। ये कंपनी है, ये 5G में आगे निकल गई थी, वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई थी 5G बनाने वाली, जितनी अमेरिका की कंपनी उसको पीछे छोड़ चुका था। कौन? हुआवे। रिजल्ट ये रहा, अमेरिका ने चाइना की हुआवे कंपनी को अपने देश से ही बाहर कर दिया। देखते देखते बहुत सारी कंट्री ने हुआवे को अपने देश से बाहर कर दिया। पुनः टिकटॉक जैसी कंपनियां हैं, जो टिकटॉक है ये वाइट डांस बनाती थी, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब जो भी कारण हो, लेकिन टिकटॉक इंडियन बाजार से बाहर चला गया। इसके बाद है आपकी अलीबाबा। अलीबाबा में खुद चाइना की सरकार ने क्रैकडाउन किया, क्योंकि अलीबाबा क्या था, ये पैसा टेक्नोलॉजी पे कब्जा कर रहा था एक तरफा। तो चाइना की सरकार पैसा टेक्नोलॉजी और राजनीतिक इन पे हमेशा दबदबा बनाए रखने चाहती है। जो भी कंपनी पैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती है, तो चाइना सरकार उस हुआवे, ये आपका जिसको अमेरिका ने बाहर किया, अलीबाबा जिस पे चाइना सरकार ने क्रैकडाउन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या था आपका, कि अभी वर्ल्ड में जो चल रही है टेक्नोलॉजी वाली कंपनी टॉप पे चल रही है। एक बार पूरा मामला देखिए आप कि चाइना कहाँ पे पहुंच गया है। ये जस्ट अगर सरकारें इस पे प्रतिबंध ना लगाए चाइनीज कंपनी पे, तो चाइना की जो कंपनियां हैं इसकी पोटेंशियल पावर इतनी अधिक है कि वर्ल्ड की सबसे दिग्गज कंपनी बनेगी। फिर इसके सामने एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी नहीं रहेगी, लेकिन इन पे लगातार समस्या पे समस्या आते रहता है। रिजल्ट ये रहता है ये पिछड़ जाते हैं, या इनको एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है चाइनीज कंपनियों को। तो इनोवेशन में तो बिल्कुल पीछे नहीं है। आज का जो जमाना है मॉडर्न युग है, आर्टिफिशियल, AI सीधा शॉर्टकट में समझिए, आर्टिफिशियल युग है, डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल वर्ल्ड है, पिक्चर डिजिटल हो रहे हैं, म्यूजिक डिजिटल है। फिर इसके बाद ग्राफिक्स का, ई कॉमर्स हो, इंटरनेट के जरिए कारोबार, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न सामान मंगाते हैं आप, ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, तो इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन के लिए TV शो चल रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, और फिर गेम, वीडियो गेम हो। फिर से एक बार देखिएगा यहाँ थोड़ा राइटिंग को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक रोबोटिक एक तरीके से, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है पूरा। डिजिटल वर्ल्ड में आप क्या देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, म्यूजिक डांस जो भी है, ई कॉमर्स है, सामान खरीद रहे हैं प्लेटफॉर्म के जरिए आप। फिर सॉफ्टवेयर का युग चल रहा है ये। इन सब में अमेरिका का दबदबा था, लेकिन इस दबदबे को क्रैक करने में चाइना की सारी कंपनियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ये सब ऑलमोस्ट इस फील्ड की कंपनियां हैं। फिर अब जो और आ रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसमें भी BYD आगे हो गया सर टेस्ला से, ठीक है। 5G का जमाना है, फिर नेक्स्ट में 6G, तो 5G में हुआ भी आगे हो गई है। जो चाइना अभी पीछे चल रहा है USA, वो सिर्फ रक्षा क्षेत्र है। रक्षा क्षेत्र में चाइना कुछ विशेष अभी नहीं कर पाया है, जिसमें अमेरिका का दबदबा, इसी डिफेंस को अब चाइना धीरे धीरे तोड़ने में लगा हुआ है। कैसे भी करके US का डिफेंस सेक्टर को समाप्त करेगा, टारगेट है। तो फिलहाल चाइना की प्राइवेट कंपनियां हैं, वर्ल्ड में अगर देखा जाए चाइनीज कंपनियां टॉप पे, तो सब सरकार की कंपनियां हैं चाइना में। अर्थात चाइना में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सरकार की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी। भारत में भी आप बड़ी बड़ी कंपनी देखेंगे तो
मोस्टली सरकार की ही कंपनी है, लेकिन भारत डेमोक्रेसी है, चाइना कम्युनिस्ट है। तो चाइना में दो पत्रिकाएं, एक तो फोर्स है आपका, दूसरा टाइम्स मैगजीन है, तो ये सब अपना रैंकिंग जारी करते हैं, या फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जैसी कंपनियां अपनी रिपोर्ट जारी करती है। जो रिपोर्ट निकलते हैं उसमें चाइना की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी दिग्गज ना होके चाइना की सरकारी कंपनी कौन कौन सी सरकारी कंपनी रहती है, तो देखेंगे ऑयल तेल क्षेत्र में, गैस क्षेत्र में, तेल या गैस क्षेत्र की कंपनियां हैं, चाइना पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन है, सिनोपेक जैसी कंपनियां, सिनोपेक चाइना पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, सिनो चाइना का दूसरा नाम सिनो बोलते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। सिनो शब्द जब भी आएगा याद रखिएगा चाइना का नाम है सिनो, सिनो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है। फिर चाइना का ग्रिड बिजली की कंपनी है, तो चाइना का तेल है, गैस की कंपनी हो, बिजली की कंपनी हो, चाइना का बैंक हो, बैंक ऑफ चाइना, तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी। इसके बाद आप क्या देखेंगे, तो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो निर्माण से संबंधित हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला हो, आयात निर्यात बैंक हो, आयात निर्यात बैंक, ये सब क्या है, चीन की सरकारी कंपनियां। तो ये 500 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर इस तरीके की कंपनी है, टेंसेंट, बीवाईडी, अलीबाबा, उन सबसे अधिक वैल्यूएबल है ये कंपनी। कभी भी चाइना की सरकार जो सरकारी कंपनी उससे अधिक बढ़ने नहीं देती, सरकारी कम है, जो कंपनियां हमेशा टॉप पे रहती है और प्राइवेट कंपनी इसके नीचे रहती है। और अमेरिका में उल्टा है, प्राइवेट कंपनी टॉप पे रहती है, सरकार की कंपनी नहीं है। और भारत में क्या है, भारत में भी लगभग ऑलमोस्ट यही स्थिति है कि सरकार की दिग्गज कंपनियां ONGC है, पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन है, तो हैवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है भारत सरकार की, प्राइवेट में है रिलायंस है, इसके बाद टाटा जैसी कंपनियां, LTFC है। फिलहाल भारत का पोजीशन तो बहुत नीचे है चाइना अमेरिका से, अगर कंपेयर करेंगे भारत की कंपनी की स्थिति तो बहुत नीचे है, तो ग्लोबल 100 में भी नाम नहीं आ पाता है इनका। फिलहाल हमें बात करना है आज जो है अलीबाबा के ऊपर, एक थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे अलीबाबा। देखिए अलीबाबा एक कंपनी है, ये है जेकमा का नाम सुने होंगे आप, बिलीनिया से एक समय था कि अलीबाबा टॉप 10 कंपनी में पहुंच गई थी वर्ल्ड की, ई कॉमर्स में अमेजोन को पीछे छोड़ चुकी थी। अलीबाबा चाइना की कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है, जेकमा, जेकमा, ये शब्द जब भी आएगा जेकमा का तो समझिएगा बिलीनियर है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, दान पुण्य भी करते रहते हैं बराबर। तो अलीबाबा के फाउंडर है, इनका बैकग्राउंड है, टीचर थे, सिंपल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने का काम करते थे, तो एक टीचर थे नॉर्मल। वहां से इन्होंने अलीबाबा का एक सफल लंबा तय किया ई कॉमर्स सेक्टर में, ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेजोन, आप सामान खरीदते हैं उसे ई कॉमर्स बोलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे सामानों की खरीद बिक्री। तो उसी की स्थापना किया 1999 में, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, अलग अलग फील्ड में आए, कौन कौन से फील्ड में आ गए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फिर मनोरंजन के फील्ड में, इसके बाद लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, डिजिटल मीडिया के सेक्टर में। ये बहुत सारे, मतलब इन्होंने ग्रुप खड़ा कर लिया अपना, एंट ग्रुप अलग से बना लिया, एक और कंपनी है एंट ग्रुप, एंड ग्रुप के जरिए इन्होंने बहुत सारे ब्रांच बना लिए कंपनी के, अलग अलग कंपनी, टेक्नोलॉजी की कंपनी बना ली, मनोरंजन की कंपनी, लॉजिस्टिक, डिजिटल मीडिया जैसे अन्य भी बहुत सारी कंपनियां बनाए जेकमा ने। 2014 में न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ था 2014 की बात बता रहा हूं मैं आपको, $25 बिलियन का आईपीओ था। आईपीओ क्या होता है, जब किसी कंपनी का शेयर बिकने के लिए पहली बार बाजार में आए उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप समझिए सीधा सा शेयर बिकने के लिए पहली बार आ रहा है, आप शेयर जब खरीद रहे हैं पहली बार किसी कंपनी का, कंपनी आ रही है आपको शेयर बेचने के लिए, तो उसे आईपीओ बोलते हैं। तो शेयर खरीदने में जो आईपीओ था 2014 में $25 बिलियन का इनकम इकट्ठा किया था जेकमा ने, रिकॉर्ड बना दिया था उस समय का, कहां पे, तो न्यूयॉर्क में, अलग अलग जगह लिस्टेड कंपनी है इसकी खरीदी बिक्री होती है शेयर की, न्यूयॉर्क में,
शंघाई में और इसके बाद हांगकांग में, तो 3 जगह लिस्टेड कंपनी है, कोई मामूली कंपनी तो नहीं है। फिर न्यूयॉर्क, शंघाई और हांगकांग, अमेरिका में भी, चीन में भी और हांगकांग में भी लिस्टेड कंपनी है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में भी कंपनियां काम कर रही है। लॉकडाउन की में स्थिति कुछ चेंज हुई, जो लॉकडाउन है अर्थात 2020 की बात है, चाइना सरकार ने जेकमा की जो कंपनी अलीबाबा पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया है, मामला वही है, पैसा टेक्नोलॉजी। इसकी क्षमता पोटेंशियल थी $1 ट्रिलियन का ये सफर तय कर रहा था, जो अलीबाबा था, अलीबाबा 1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन शीघ्र ही कर लेता, $1 ट्रिलियन, सोचिए $1,000 बिलियन। इसका सफर तय कर रहा था, ऑलमोस्ट ये $900 बिलियन पे पहुंच गया था 2020 तक का, लेकिन चाइना सरकार के क्रैकडाउन के कारण करंट में स्थिति कहां पे आ गई है, $1.87 बिलियन। तो क्रैकडाउन क्या की चाइना की सरकार ने, अलीबाबा 1 ट्रिलियन की कंपनी बनने वाली थी, लेकिन चाइना सरकार क्रैकडाउन की, इस पे कंट्रोल की, क्या कैसे कंट्रोल की, क्या आरोप लगे कंपनी पे, इसको थोड़ा देखेंगे। फिलहाल करंट में वैल्यूएशन जो वर्तमान में आप बोलेंगे वैल्यूएशन $187 बिलियन है, इससे अधिक बड़ी बड़ी कंपनियां निकल गई है। तो बताता हूँ मैं आपको क्रैकडाउन क्या था। चाइना की सरकार हमेशा डरती है कि कोई प्राइवेट कंपनी कहीं दबदबा ना बना ले चाइना में, वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ब्रेक ना कर दे, कहीं डेमोक्रेसी लेके ना आ जाए, लोगों को भड़काने का काम ना करे, या अमेरिका जैसी देश के साथ मिलके कोई षड्यंत्र ना रचे चाइना के खिलाफ। तो चीन की सरकार हमेशा किस चीज से डरती है, चीन की सरकार हमेशा उसको डर लगे रहता है डेमोक्रेसी से, फिर वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री जहां भी जाते हैं डेमोक्रेसी लेके जाते हैं, वह मानवाधिकार की बात करते हैं, फिर कानून की बात करते हैं, न्याय प्रणाली की बात करते हैं, इससे डर लगता है चाइना को। फिर अगर कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है तो चाइना की सरकार को लगता है कि इसके पीछे वेस्टर्न कंट्री अर्थात यूएस जैसी देश का हाथ है, योगदान है, यूएस इसको आगे बढ़ा रहा है, कहीं जो कंपनियां हैं वो चीन की सरकार के खिलाफ कोई साजिश ना करे, लोगों को भड़काए ना, चाइना में कहीं अस्थिरता ना आ जाए, सड़क पे प्रदर्शन ना होने लग जाए, लोकतंत्र के लिए 9/11 की घटना हो सकती है। तो ये सब से डर लगता है, और ये सब कंपनी के जरिए संभव है। जैसे जैसे कंपनी प्रचार प्रसार करती है, अपना इंडिपेंडेंट रूप से बोलती है, सामान बेचती है, विचार रखती है, तो उससे डर लगता है, और जब ज्यादा पैसा आ जाए तो पैसे के जरिए और ज्यादा इसको डर लगने लगता है। तो पैसा टेक्नोलॉजी अब अलीबाबा के पास आ चुके थे, तो चाइना की सरकार ने अलीबाबा पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया। अलीबाबा पे क्या आरोप लगाया, पहला कि बाजार पे मोनोपोली कर रहा है। अभी मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली अर्थात मोनो मतलब एक, सिंगल एकाधिकार, तो एकाधिकार कर रहा है बाजार पे, जो चाइना का बाजार है चाइना के बाजार पे एकाधिकार कर रहा है। अलीबाबा के अलावा कोई भी कंपनी अब चाइना में नहीं रह सकती, ऐसा चाइना की सरकार का कहना था कि अलीबाबा मोनोपोली को अपना रहा है, अपने प्रतिस्पर्धी जो है प्रतिस्पर्धी को बाजार से बाहर कर रहा है, अगर छोटी मोटी कोई कंपनियां है उसको निगल रहा है, उसको समाप्त कर दे रहा है अलीबाबा, तो प्रतिस्पर्धी बाजार को समाप्त कर रहा है। पुनः जो उपभोक्ता अधिकार होते हैं, मनमर्जी सामान बेच रहा है, मनमर्जी कीमत पे दे रहा है, जब मन कर रहा है दे रहा है, जब मन कर रहा है नहीं दे रहा है, घटिया सामान दे रहा है। तो उपभोक्ता, मैंने आपको बताया था उपभोक्ता संरक्षण भारत में भी कानून है, तो उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, और फिर इंटरनेट पे एक तरफा अधिकार कर रहा है, इंटरनेट पे एक तरफा अधिकार कर रहा है, कुछ कुछ ये आरोप है। मोनोपोली क्या बोलेंगे, चाइना की सरकार ने 2020 में क्रैकडाउन क्यों किया अलीबाबा पे, मोनोपोली को लेके, एक इकोनॉमिक शब्द है, कभी भी मोनोपोली आता है तो याद रखिए अकेला एक ही कंपनी, सिंगल कंपनी जो बाजार पे कब्जा कर ले, उसका कोई अन्य प्रोडक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पंखा बनाने वाली कंपनी है तो भारत में अकेले वही पंखा बना रही है, इसके अलावा कोई कंपटीटर ना हो, तो मोनोपोली की स्थिति रहेगी। अगर कंपनी दो हो जाए
एक और पंखा बनाने वाली आ जाए तो डुअल पोली, तो दो कंपनी अब हो गई डुअल पोली करेंगे, अब मोनोपोली ना कह के। तो चाइना में चाइना की सरकार ने यही आरोप लगाया अलीबाबा पे, मोनोपोली कर रही है, बाजार पे तरफा अधिकार कर रहा है, प्रतिस्पर्धा जो अपने कंपटीटर्स को समाप्त कर रहा है। कंपटीटर क्या होंगे, अगर भारत में मान लेते हैं पंखा बनाने वाली कंपनी थी तो मन मर्जी 2,000-5,000 का पंखा बेचेगी, जो मार्केट प्राइस है उससे अधिक बेचेगी, और आपको खरीदना होगा क्योंकि गर्मी लगेंगे आपको, तो गर्मी के कारण आपको मजबूर होकर खरीदना पड़ेगा, कोई अन्य कंपनी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार यही है कि प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर रहा है अलीबाबा, फिर उपभोक्ता के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेट पे तरफा अधिकार कर रहा है, और रिजल्ट ये रहा जेकमा जो थे वो कुछ समय के लिए ओझल हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि जेकमा कहाँ गए, अचानक से इनका बीच में एक वीडियो आया था कहीं से, तो फिर से ये रिवाइवल कर रहे हैं अलीबाबा को, अपना स्ट्रेटजी प्लान लेके और आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल देखिए अलीबाबा से आगे निकल गई है ई कॉमर्स सेक्टर में, पिन दुआओ दुआओ कंपनी है, इसको याद रखना होगा आपको, पिन दुआओ दुआओ एक कंपनी है। अलीबाबा टेंसेंट के जस्ट नीचे था, जो प्राइवेट कंपनी देखेंगे अगर आप चाइना में सबसे टॉप नंबर पे है टेंसेंट, ये भी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वीडियो गेम बनाती है ये टेंसेंट, इसके बाद म्यूजिक से संबंधित कंपनियां हैं, ग्राफिक्स से संबंधित कंपनी भी है, तो टेंसेंट इंटरनेट की कंपनियां हैं, ये टॉप नंबर पे है, इसके बाद अलीबाबा थी, लेकिन अब जस्ट ये आ गया पिन दुआओ दुआओ, अलीबाबा थर्ड नंबर पे चला गया प्राइवेट। तो अलीबाबा का मैंने आपको वैल्यूएशन बताया, 187 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है करंट में, और पिन दुआओ दुआओ का 188.3 बिलियन डॉलर, आज का स्टेटस बता रहा हूँ बिलियन डॉलर। तो ये है आपका पिन दुआओ दुआओ, करती क्या पिन दुआओ दुआओ, ई कॉमर्स की कंपनी है, तो अपने ई कॉमर्स कंपनी बनाई हुई है, इसके जरिए सामान बेचती है रिटेल सेक्टर में है, हर प्रकार का सामान बेच रही है, फल हो सब्जी हो, किसी को तेल लेना है, किसी को नमक मिर्च, वो सब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं, टीवी पंखा कूलर फ्रिज ये सब ऑलमोस्ट कर रही है पिन दुआओ दुआओ। ठीक है, इससे आगे निकल गई है अलीबाबा, पिन दुआओ दुआओ पे भी आरोप लगाया, लगाया क्या कि घटिया सामान बेचती है, घटिया सामान बेचने का आरोप लगाया इस पे, मिलावट वाला सामान बेचती है, तो आरोप से तो कोई नहीं बच रहा है चाइना की कोई भी कंपनी हो। अगर चाइना की सरकार अलीबाबा जैसी कंपनी, टेंसेंट जैसी कंपनियां और पिन दुआओ दुआओ जैसी कंपनियों को प्रोटेक्शन दे, संरक्षण दे, अर्थात निजी कंपनियों को, तो निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी में और फाइनेंस में अमेरिका का कब्जा है वो वर्ल्ड से चाइना अगले कुछ साल में समाप्त कर देगा। फिलहाल सपोर्ट देने की बात है जो कभी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट सरकार के लिए खतरा हो जाएगा कि पैसा और टेक्नोलॉजी किसी व्यक्ति के पास या कंपनी के पास नहीं पहुंचने चाहिए। भारत को गुलाम बनाया था एक कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, अनुमान लगाइए कि एक कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे इतने विशाल देश को गुलाम बना ली थी, 100 लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, धीरे धीरे इन्होंने भारत पे कब्जा किया था, तो चाइना सरकार को भी सही खतरा लगता है कहीं कब्जा न कर ले चीन पे कंपनियां, और इन कंपनियों को बढ़ाने भड़काने का काम कहीं अमेरिका वेस्टर्न कंट्री तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्रैकडाउन करती है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।